नागिन का सीजन 3 इन दिनों काफी रहस्यमयी बनता जा रहा है। जैसे जैसे नागिन 3 की कहानी आगे बढ़ते ही चले जा रही है, वैसे वैसे इस शो के ऑडियंस भी इसे देखने के लिए काफी उत्सुक होते जा रहे हैं। नागिन के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि नागिन सीरीज का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा होगा, जो कि सीजन 2 से जुड़ा होगा, और वो है शिवांगी के मौत का खुलासा। आखिर ऋत्विक के कहने पर रॉकी ने शिवांगी को क्यों मारा था, इस राज का खुलासा नागिन 3 में आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में नागिन के सबसे बड़े राज का खुलासा करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शिवांगी शेष वंश से थी, जो कि शिव के सबसे बड़े भक्त होते हैं, जिनका लक्ष्य होता है नागमणि को बचाना और मंदिर की रक्षा करना। वही दूसरी ओर रॉकी तक्षक वंश से था, जो कि शेष वंश का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन रॉकी और शिवांगी को उनके मिलन होने से पहले तक नहीं पता होता है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी वंश हैं, और इन दोनों के मिलन के बाद इन्हें इस बात का पता चलता है कि वो एक दूसरे के विरोधी वंश से हैं। दरअसल शिवांगी के पेट में पल रहा बच्ची दरअसल शिवांगी के पेट में पल रही बच्ची के वजह से आने वाले समय में इन दोनों वंशों में बहुत ही अनर्थ हो सकता था, और इसी बात का अंदाजा कहीं ना कहीं गुरुजी को भी था। इसलिए गुरुजी शिवांगी को समय समय पर चेतावनी देते रहते थे, और कहीं ना कहीं इस बात का एहसास शिवांगी को हो चुका था कि आने वाले समय में इस बच्ची के वजह से उसकी जान जाने वाली है। इसलिए उसने अपनी बच्ची को जन्म बड़े ही रहस्यमय तरीके से दिया, ताकि वो बच्ची शेष वंश और तक्षक वंश से दूर रह सके। और आखिर में शिवांगी को जिस बात का डर था वही हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। ये हत्या कोई और नहीं बल्कि उनके अपनों ने ही उन्हें मार डाला, जो है ऋत्विक और रॉकी, जिन्हें पता चल चुका था कि शिवांगी बहुत ही जल्द बच्ची को जन्म देने वाली है, जो कि वो ये कभी नहीं चाहते थे कि शिवांगी अपने बच्ची को जन्म दे, और इसलिए रॉकी ऋत्विक के कहने पर शिवांगी को मार देता है। लेकिन रॉकी और ऋत्विक को ये नहीं पता होता शिवांगी अपने बच्ची को जन्म पहले ही दे चुकी है। तो दोस्तों खास बात तो यह है कि शिवांगी की बेटी भी एक इच्छाधारी नागिन है, जिसे आप नागिन सीजन 3 में देखेंगे। आप शिवांगी की बेटी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, और आपके हिसाब से यह वह कौन है, प्लीज कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताजा न्यूज की रिपोर्ट।